उदाहरण 21, जीवाएं पी क्यू तथा आर एस वृत्त के बाहर एक बिंदु M पर एक दूसरे को काटती है। यदि एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, एम पी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एम एस बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो एम आर तथा जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है, दिया गया है एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, एम पी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एम एस बराबर 4 सेंटीमीटर। माना एम आर, जिसे हमें ज्ञात करना है, माना एम आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंतर्गत या बहिर्गत प्रतिच्छेद करती है, तो किसी एक जीवा के खंडों से बनने वाले आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के खंडों से बनने वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे हमारे पास है एम क्यू गुणा एम पी बराबर एम एस गुणा एम आर। यहाँ एम क्यू का मान हमने, हमारे पास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, गुणा एम पी का मान हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एम एस 4 सेंटीमीटर और एम एस 4 सेंटीमीटर, एम आर जो है उसके स्थान पे हम एम आर लिखेंगे। उस तरह से एम आर का मान जो है 8 या 24 और 4 का पक्षांतर करेंगे तो बटा 4। इस तरह से हमने एम आर बराबर 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर ज्ञात किया। जीवा आर एस जो है वह एम आर ऋण एम एस होगा। जीवा आर एस का जो मान है, हम एम आर में से एम एस को घटाएंगे तो जीवा आर एस का मान हमें प्राप्त होगा। एम आर जो है 6 सेंटीमीटर जो हमने ज्ञात किया, और एम एस 4 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। इस तरह से हमने जीवा की जो लंबाई ज्ञात की है वह है 6 में से 4 गया तो 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जीवा की लंबाई 2 सेंटीमीटर ज्ञात की। यह इस उदाहरण का हल होगा।